तो भाई लोग क्या हाल चाल है, आई होप सब बढ़िया। तो भाई लोग आ चुके एक न्यू गेम प्ले के साथ वापस। अब देखो ये वाला मैच मैंने स्टार्ट किया था सोलो वर्सेस स्क्वाड के साथ, और अब तक की जितने भी गेम प्ले मैंने रिकॉर्ड किया ना, तो सबसे बेस्ट गेम प्ले होने वाला है। अगर ये गेम प्ले तुम एंड तक देख लोगे ना, तो भाई तुम्हें सब्सक्राइब करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद को नहीं रोक सकती हो, और लाइक तो तुम ये वाला स्क्वाड को मारने के बाद ही कर दोगी। फिलहाल देखो यहाँ पर मेरे साथ ही एक स्क्वाड उतारता है और ऊपर एक ही बंदा उतरता है, तो मुझे भी गन मिल जाता है। इसको बजाते पहले देखो मैंने इसको नॉक कर दिया था, और इसकी जो बाकी की तीन टीममेट था वो नीचे की साइड पे कूदा है, तो इसको फटाफट से फिनिश कर देते। और भाई मुझे एक ऑटो गन भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीन बंदे हैं, और भाई तीन की एम एस एस अगर मेरे ऊपर पड़ गया ना, तो मेरा तो लाल चड्डी उतार के मरेंगे। तो फटाफट यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और मुझे भाई यहाँ पर मिल जाता है टॉमी। अब देखो यहाँ पर एक बंदे की फुटस्टेप आ रहा था नीचे की साइड से, और यहाँ पर आके मैं देखता हूँ बंदा कवर पर जा चुका है। फिर मैं यहाँ पे इसको नॉक कर देता हूँ, और मैं नीचे नहीं कूदता, क्योंकि भाई देखो इसकी जो बाकी की टीम है वो नीचे की साइड ही था, और एग्जैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि बंदा कहाँ था। तो यहाँ पे दो तीन बंदे हैं, तो इसीलिए मैंने नहीं कूदा, और उस बंदे को यहाँ पे रिवाइव देंगे, यही मौका है। मैं भी थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे और एक गन चाहिए जो ऑटो गन। तो फिर इस साइड पे आ जाता हूँ, क्योंकि भाई इस साइड से अगर बंदे को स्पॉट हो जाए तो इसी यहीं से जो है उसको बचा देंगे। फिर मुझे सामने मिलता है AKM, और भाई यहाँ पे आके देखता हूँ स्कारल, और भाई सामने एनिमी भी है और लूटना भी है, तो बहुत ही ज़्यादा रिक्स ही था। अब देखो जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे ऊपर एक नेड कर देता है, तो मैं यहाँ पे भाग जाता हूँ। अब देखो मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो मेरी जो हेडफोन है उससे मतलब एक फुटस्टेप की साउंड आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि पीछे की साइड एक बंदा है, तो मैं यहाँ पर कूदता हूँ, इस बंदे को पहले नॉक करते हैं। अब देखो इसको मैंने नॉक कर दिया था, और एक बंदा आ रहा है। तो इसको भी यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं कट लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे अगर मैं होल्ड करूँगा या कैम करूँगा तो उसकी जो दो टीममेट नॉक है तो वो लोग बता देंगे कि एग्जैक्ट मैं कहाँ हूँ, और इसीलिए मैं यहीं से कट लेता हूँ। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैंक करके आना चाहता था, और बंदा देखो आ चुका है, तो इसको यहाँ पर बजाते हैं। अब देखो ये वाला स्क्वाड तो ख़त्म है भाई, तो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। और भाई ये वाला स्क्वाड को मारने के बाद ना, अगर तुमने लाइक नहीं किया तो क्या किया भाई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन को फोड़ देना। फिर मैं यहाँ से भाई निकलने के लिए गैरेज पे आता हूँ, भाई गाड़ी लेके निकल लेंगे, लेकिन भाई नीचे की साइड से एक फायर आता है, सामने देखता हूँ कि गाड़ी बस हॉर्न मार रहा था, और भाई मतलब यहाँ पर दो बंदा था और मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था, मतलब 2 SP यहाँ पे है। तो फटाफट से मैं इस साइड आ जाता हूँ और हेलकिट लगा लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे दो तीन बंदा है, मेरे ऊपर पुश कर देता है तो भाई मेरे को यहाँ पे ठोक देगा। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, और भाई नेडी करते जा रहा था गैरेज पे, तो मैं वहाँ से कट लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अपने के पास भी नेड है तो मैं भी एक नेड कर देता हूँ। मुझे पता था कि मैं नेड जो है नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक बंदा आ गया था, मैंने सोचा था कि बंदा इस साइड से आएगा, लेकिन बट ऐसा नहीं था, बंदा इसी साइड से घूम के आ रहा था, और मतलब भाई बहुत ही चौड़ा होकर आ रहा था, तो इसको यहाँ पे नॉक करके फिनिश ही कर देते इसको। अब देखो उस घर पे अभी भी दो बंदे थे, तो मैंने इसीलिए ओपन पे नहीं गया, और वो बंदा यहाँ पे मतलब टपक जाता है। अब देखो और एक बंदा चौड़ होकर आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे फायर देता हूँ, और वो घर पे जो बंदा था उसने यहाँ पे स्मोक कर देता है। अब भाई ये बंदा गया, और भाई साहब यहाँ पे आके लेट जाता है, तो मैंने इसको नॉक कर देता हूँ। अब देखो मेरे हेल्थ किट यहाँ पे डाउन था, और वो बंदा जो अभी यहीं पे पुश करने आएगा, और उसकी बंदे तो ऑलरेडी एक नॉक है, तो वो भी उसको बताएगा। तो फिर मैं नीचे की साइड कूद जाता हूँ, और पहले हेल्थ किट वगैरह लगा लेते हैं, और उसके बाद जब वो बंदा रिवाइव देने बैठेंगे तब जाकर बजाएंगे भाई। यही सोच के मैं इसके पास आ जाता हूँ और इसको पहले लूट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फुटस्टेप की साउंड से मुझे पता था कि वो बंदा जाके उसको रिवाइव देने बैठ गया, तो अभी जाके और बजाएंगे देखो। और भाई कदी जहर वाला स्प्रे देके इन दोनों को यहाँ पे
बजा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे और ज़्यादा बंदा नहीं था तो भाई जितना हो सका मैंने लूटा और उसके बाद गाड़ी लेके यहाँ से निकल आता हूँ। और ये वाला मैच में मैं जहाँ जा रहा हूँ सिर्फ बंदे ही बंदे मिल रहा है। फिलहाल सामने देखोगी एक बागी जा रहा है तो यहाँ पे उतर के मैं इन लोगों को फायर करने लगता हूँ, मतलब काफ़ी जहर वाला स्प्रे देता हूँ और गाड़ी ऑलमोस्ट फूटने वाला था, फिर ये दोनों जो है भाग जाता है। बट आप इसे याद रखो, ये आगे जाके मिलने वाला है, फिर मैं गाड़ी लेके मतलब उनको भगा के मारने के यही प्लान बनाया था। लेकिन यहाँ पे आके मुझे एक बंदा दिख जाता है और यहाँ पर भी एक स्क्वाड था तो इस बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब देखो उसी घर के अंदर और एक बंदा है होती है और मैं जाते जाते उन बंदे को जिसको मैंने नॉक किया था अभी अभी, वो बंदा रिवाइव हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो रिवाइव देकर वो बंदा भाग रहा था तो इसको यहाँ पर नॉक करते हैं। कहाँ भाग रहे हो बेटा, और क्या गन स्विच किया। देखो जिस बंदे को मैंने नॉक किया था वो ये बंदा रिवाइव हो गया और ये अभी फायर करना है तो इसको भी यहाँ पे नॉक कर देते हैं। अब देखो इस साइड से ये बंदा किधर से भागते हुए आ रहा था भाई, इतनी जोन पे भाई पैदल आ रहा था तो उसको भी यहाँ पे बजा देते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे नॉक था तो इन दोनों को बजा के यहाँ से निकल जाते और भाई जोन के अंदर हूँ मैं और हेल्थ भी बहुत जा रहा। अब देखो इन दोनों को यहाँ पे मार देते और भाई जल्दी से लूट लेते और जितना हो सका मैंने इन लोगों को दिल खोल के लूटा। यहाँ पे मैं गाड़ी के पास आ जाता हूँ। अब बारी है वो बागी वालों जो मुझे यहाँ पर मिलते हैं तो मैं यहाँ पे सीधा आ जाता हूँ। मतलब आइडिया लगा के मैंने यहाँ पे आया था कि काश यहाँ इस साइड हो सकता है क्योंकि थर्ड हिल पर जो है कुछ बंदे होते हैं। जब मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे एक कार 90 की आवाज़ आती है। अब देखो मैं समझ गया था कि सामने दो बंदे हैं या एक स्क्वाड है और जो थर्ड हिल के पास जो कुछ बंदे हैं तो वो लोग आपस में फायर कर रहा है तो यहाँ पर मैं मौका देके मतलब थर्ड पार्टी करने जाता हूँ। अब मैं देख लेते कितना नेड है मेरे पास क्योंकि भाई घर में बंदा है तो नेड करना है। फिर मैंने एक मॉले उठाता और सीढ़ी पे एक मॉले कर देता और यहाँ पे वो बगी देखो जिसको मैंने स्प्रे दिया था ऑलमोस्ट डैमेज हो गया था। फिर मैं यहाँ पे आके और एक नेड करने की सोचता हूँ तो फिलहाल बाहर एक बंदा लेटे हुए देखते और भाई साहब यहाँ पर लेट लेट के क्या कर रहे हो। और भाई मतलब देखो वो भी लेट गया मैं भी लेट गया लेकिन उसकी जो एम है वो मिस्टेक हो गया और मेरी जो एम है उसकी हेड पे सारी की सारी बुलेट कनेक्ट हो गया तो वो बंदा भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब देखो इन दोनों को बजाने के बाद गाड़ी लेके यहाँ से निकल आता है क्योंकि भाई जोन मेरे को पीछे से धकेल ही रहा था तो फिर मुझे जोन के आगे भी जाना है। अब देखो बहुत लोग यूट्यूब पर ट्रिक एंड टिप्स देखना चाहती है तो भाई तुम गेम प्ले अगर ध्यान से देखोगे ना तो तुम सीख जाओगे, प्रो प्लेयर बनना कुछ नहीं है। मैं भी सीखा सिर्फ गेम प्ले वीडियो देख देख के ही। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ और देखो जोन यहीं से बना था। अब इस साइड से मैं जब आ रहा था तो मुझे लगा हल्का सा एक बंदा दिखा गिली सूट में तो वो बंदा ये था तो इसको यहाँ पर बजा देते। अब जब इसको बजा देते तो भाई इसको थोड़ा सा लूट भी लेते क्योंकि आसपास कोई भी बंदा दिख नहीं रहा था। फिर वाकई मुझे यहाँ पे बहुत ही गंदी वाला फायर देता है, मतलब भाई यहाँ पे मैं अपनी जान बचा के भाग के आता हूँ और पहले यहाँ पे हेलकेट लगा लेता और उसके बाद जिसने भी भाई गंदी तरीके से मारा ना उसको भी बहुत ही गंदी तरीके से मारूँगा, बस तुम देखना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज था तो बंदा मतलब सीधा आके मेरे ऊपर रश कर सकता था तो मैं इसीलिए थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ ताकि बंदे की जो लोकेशन मुझे पता चले फिर जाके उस पर पुश करेंगे। अब यहाँ पे जाके मैं इस घर के अंदर जाता हूँ, मतलब जब मैं यहाँ पर आता हूँ वो बंदा मेरे को दिख जाता है। अब देखो उसको क्या गंदी तरीके से मारते हैं। अब मुझे पता था कि बंदा घर के अंदर ही है तो यहाँ पे आके जाके उसको मैं फ्री फायर देने लगता हूँ।
और भाई इसको बहुत ही गंदी तरीके से मैंने नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं हेलकिट लगाते लगाते आगे जा रहा हूँ, पीछे से एक बंदा फायर कर रहा था। यहाँ पे मुझे अगर दो बुलेट कनेक्ट हो जाता तो भाई मैं मर जाता, और इस बंदे की एमएसएस इतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मैंने भी इसको यहाँ पे बजा देते हैं। सो गाइज, आई होप कि गेम प्ले तुम्हें बढ़िया लगा हो। अगर गेम प्ले तुम्हें बढ़िया लगा हो तो भाई करना क्या है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही करना है। और आप अगर चाहती हो कि भाई आप भी प्रो प्लेयर बनो तो गेम प्ले की जो वीडियो है ना इसे आप ध्यान से देखो, कहाँ मैं कैसे मार रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक एंड टिप्स एक बार आप देखोगी और ऐसे मोमेंट ऐसे सिचुएशन आपके सामने बार बार क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन आप अगर गेम प्ले देखोगी तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट होंगे और क्या करना